आजकल हमारे सामने ऐसे कई सारे उदाहरण आते हैं जिसमें मीडिया अपनी खबरों की बिना सच्चाई जाने सनसनी खेज के रूप में हमारे सामने पेश करता है। हमारे इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी करने का रिपोर्ट एक प्रतिष्ठित मीडिया वेबसाइट ANI ने 5 नवंबर 2018 को किया और इस खबर को सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से चलाया गया। ANI का ट्वीट कुछ इस तरह था, दारुल उलम देवबंद ने नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी किया और ये भी कहा ये गैर इस्लामिक और अवैध है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या ऐसा कोई फतवा जारी हुआ है। दारुल उलम की एक ऑनलाइन सेवा है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति फतवों को लेकर सवाल कर सकता है। ऑल्ट न्यूज़ ने जब उस ऑनलाइन सेवा पर जांच पड़ताल की तो फिलहाल हमें उस तरह का कोई भी फतवों की जानकारी वहां पर नहीं मिली। ANI के ट्वीट में दिखाया गया व्यक्ति जिसको ANI ने मुफ्ती इसरार गौरा बताया है, जब हमने उनके बारे में दारुल उलम से पूछताछ की तो दारुल उलम ने ये बताया कि उनका इसरार गौरा से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद ऑल्ट न्यूज़ ने जब इसरार गौरा से बात की तो पता चला कि वो मुफ्ती नहीं खारी है। तो आइए जानते हैं मुफ्ती और खारी के बीच में क्या अंतर है। मुफ्ती यानी इस्लामिक विद्वान जो फतवा दे सकता है और खारी यानी जो कुरान को अच्छी तरीके से रिसाइट कर सकता है। इसके साथ इसरार गौरा ने यह भी बताया कि उनका दारुल उलम से कोई संबंध नहीं है और ANI ने अपने रिपोर्ट में उनको गलत तरीके से दिखाया है। ये सब जानकारी लेकर ऑल्ट न्यूज़ ने जब ANI से संपर्क किया तो उन्होंने कुछ ही घंटों बाद अपने ट्वीट को सही कर लिया। लेकिन हमारे सामने और भी सवाल थे, क्या ऐसा कोई फतवा जारी हुआ है, क्या इस्लाम में नेल पॉलिश का उपयोग करना गैर इस्लामी और अवैध माना जाता है, दारुल उलम ने ऐसा कोई फतवा जारी किया है, फतवा है तो कहाँ है, इस तरह के कई सवाल हैं। जब ऑल्ट न्यूज़ ने फतवे की प्रति मांगने के लिए ANI से फिर से संपर्क किया तो उन्होंने उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर लिया। ये ट्वीट और पहले किया गया हुआ ट्वीट दोनों की लिखावट में बहुत सारा अंतर सामने आया। जहां पहले के ट्वीट में साफ तौर पे नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ फतवा दिखाया गया था, वहीं दूसरे ट्वीट में नेल पॉलिश लगा के प्रार्थना और नमाज पढ़ने वाले महिलाएं और पुरुषों के खिलाफ फतवा दिखाया गया था। ANI का दूसरा ट्वीट जो था वो हाथ से लिखा हुआ फतवा था जिसमें एक नंबर और नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ नाम मोहम्मद तुफेल था। जब हमने फतवे में लिखे गए नंबर के ऊपर कॉल किया तो हमें ट्रू कॉलर में तस्लीम कुरैशी नाम दिख रहा था। जब हमने तस्लीम कुरैशी से बात की तो उन्होंने अपने आप को पत्रकार बताया, ये भी कहा वो इनाडू और ETV उर्दू जैसे मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार का नाम लेकर फतवा के बारे में पूछताछ की थी ताकि वो उसके ऊपर कहानी कर सके, क्योंकि वो एक रिपोर्टर के तौर पे दारुल उलम से ना ही संपर्क कर सकते हैं ना ही फतवों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसलिए वो एक आम मुसलमान का अभिनय करते हुए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम का सहारा लेकर दारुल उलम से संपर्क करते हैं और फतवा के बारे में जानकारी लेते हैं। इस तरह वो अपनी पत्रकारिता करते हैं। यहाँ आपने देखा कि फतवे के मुद्दे को लेकर मीडिया संगठनों किस तरह से लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं। मीडिया संगठनों के लिए फतवा हमेशा महत्वपूर्ण खबर बनके रह जाता है। हालांकि फतवे के पीछे की सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता।